नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे जून महीने के सेकंड और थर्ड वीक में जो भी करंट अफेयर बना है उसकी यहां पर चर्चा होगी, क्योंकि सेकंड और थर्ड वीक में आपको वीडियो प्राप्त नहीं हो पाया। इसमें मैं ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ गया हूं, जिसमें हम नेशनल, इंटरनेशनल, मिसलेनियस और स्टेट के करंट अफेयर को कवर कर रहे होंगे। बाकी बचे हुए जितने भी टॉपिक हैं उनको नेक्स्ट क्लास में आपके लिए कवर कर दिया जाएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात होगी नेशनल करंट अफेयर की। तो जो नेशनल करंट अफेयर बना है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है और क्या इंपॉर्टेंट है वो भी बताता हुआ चलूंगा, उसको आप लिखते जाइएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जलभूषण बिल्डिंग, पूछा जा सकता है जलभूषण बिल्डिंग एंड गैलरी ऑफ रिवॉल्यूशनरी, जो एक बिल्डिंग है, इसको कहां डेवलप किया गया? तो आंसर हो जाएगा मुंबई, महाराष्ट्र में इसको डेवलप किया गया। वहां का जो राजनिवास है वहां पर यह बिल्डिंग डेवलप की गई है, जहां पर जो हमारे मतलब चेंज करता है, मतलब समाज में चेंज करने वाले लोग हैं, जिन्होंने अलग अलग क्रांतियों में भाग लिया है, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, उनकी यहाँ पर आइडेंटिटी, मतलब उनको, उनके बारे में एक्सप्लेन से लिखा जाएगा, उनके बारे में जो नॉलेज है उसको आप वहाँ जाकर प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके की एक बिल्डिंग को बनाया जा रहा है, बिल्डिंग को बनाया गया जिसको इनॉग्रेट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। साथ साथ अवेलेबिलिटी, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे जी, जो भगत सिंह कोश्यारी जी हैं जो कि वहाँ के गवर्नर हैं, ये सब लोग भी अवेलेबल थे। तो याद रखिएगा, ये जो जलभूषण बिल्डिंग एंड गैलरी ऑफ रिवॉल्यूशनरी, ये राजभवन में डेवलप हुआ और मुंबई में डेवलप हुआ है। राजभवन मुंबई में है, वहाँ डेवलप हुआ, महाराष्ट्र का राजभवन, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया। तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है, जगह, क्या इनॉग्रेट हुआ और किसने इनॉग्रेट किया, ठीक। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन किस किस स्कीम के अंतर्गत? तो एक स्कीम चलाई गई थी नवंबर के महीने में, लास्ट ईयर 2021 में जो एक स्कीम आई थी, भारत गौरव स्कीम, रेलवे ने इसे लॉन्च किया था, लेकिन पहली प्राइवेट ट्रेन चली है। अब इसको ये पूछा जा सकता है कौन सी मिनिस्ट्री ऑपरेट कर रही है, तो इसकी जो अनाउंसमेंट है वो टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा की गई है। रेलवे मिनिस्ट्री का यहाँ पर सिर्फ इतना काम है कि रेलवे प्रोवाइड करा देना, अपनी पटरियाँ प्रोवाइड करा देना, अपने जो कर्मचारी हैं, जो सिग्नल और मतलब और भी जो मतलब जैसे कि स्टेशन मास्टर हो गया या दूसरे जो जो ट्रेन को चलाने में मदद करेंगे वो प्रोवाइड कराना है, रेलवे का काम। और ये जो ट्रेन है ये रेलवे ने नहीं चलाई है, ये किसने चलाई है, ये टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा चलाई गई, जो कि पहली प्राइवेट ट्रेन है। ये अनाउंसमेंट जो हमारी टूरिज्म मिनिस्ट्री है उसके द्वारा की गई है। याद रखिएगा, यहाँ पर भारत गौरव जो स्कीम है, जो कि नवंबर 2021 में लॉन्च की गई थी भारत सरकार के द्वारा, जिसमें आप प्राइवेट ट्रेन अपनी बुक कर सकते हो एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक, इसमें पहली प्राइवेट ट्रेन चली है, जो कि कहां से कहां तक चली है, तो आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर से लेकर शिरडी तक चली है। कहां से? कोयम्बटूर से लेकर शिरडी तक चली है, साईं बाबा आप जानते होंगे, तो यहां तक ये पहली प्राइवेट ट्रेन चली है भारत गौरव स्कीम के अंतर्गत, याद रखिएगा। और हाँ, जो इस समय पर हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन है, तो अश्वनी वैष्णव है, और इस समय पर हमारे टूरिज्म मिनिस्टर कौन है, तो जी किशन रेड्डी जी हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फिर से एक इनॉग्रेशन किया, उसके बारे में पढ़ लें। तो जगत गुरु श्री शांत तुकाराम महाराज शिला मंदिर पुणे में इनॉग्रेट किया गया। नाम से हो सकता है आप पहुंच जाए महाराष्ट्र तक, लेकिन अगर जो महाराष्ट्र की बड़ी बड़ी सिटीज दे दी जाए तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि जो तुकाराम
जो सरनेम है वो मोस्टली मेजोरिटी में आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे, तो आप पहुंच जाएंगे, लेकिन महाराष्ट्र की किस सिटी में इनॉग्रेट किया नहीं पहुंच पाएंगे अगर आपने पढ़ नहीं रखा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जगत गुरु श्री शांत तुकाराम महाराज शिला मंदिर को इनॉग्रेट किया। कहाँ पर इनॉग्रेट किया? पुणे में इनॉग्रेट किया है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, ये भी इनॉग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। निर्मला सीतारमन जी ने कस्टम एंड जीएसटी का एक नेशनल लेवल का म्यूजियम इनॉग्रेट किया। अब ये म्यूजियम मोस्टली दिमाग में आता है ना, अच्छा जीएसटी है, दिल्ली में हुआ होगा, नहीं, ये हुआ है गोवा में, और गोवा का कोई लिंक भी नहीं है। मतलब गोवा दिल्ली से अगर सरकार ऑपरेट हो रही है, अगर हमें तुक्का लगाना है तो हम दिल्ली में ही लगाएंगे, दिल्ली हो गई, बड़ी बड़ी सिटीज़, मुंबई हो गई, लेकिन गोवा तक नहीं पहुंचेंगे। तो याद रखना है आपको, निर्मला सीतारमन जी ने नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम्स एंड जीएसटी ये कहाँ इनॉग्रेट किया है? गोवा में इनॉग्रेट किया है, ठीक है। चलिए, और हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री इस समय कौन संभाल रही है? निर्मला सीतारमन जी संभाल रही हैं। गोवा की कैपिटल है पणजी, गोवा के चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत, गवर्नर है एस श्रीधरन पिल्लई। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन जाने से पहले यहां पर हम जीएसटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, हमें पता भी होना चाहिए, स्टैटिक जीके भी इसी बहाने आपको कवर हो रहा है। तो इसमें जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले पता होना चाहिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक मेरे को अचानक से क्वेश्चन याद आ गया, यूपी पीसीएस और अभी रिसेंटली में एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, वहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया था जीएसटी से रिलेटेड, कि अलग अलग जीएसटी दे, अलग अलग टैक्सेस दे दिए, बोला गया इनमें से कौन सा टैक्स जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता। उसमें सर्विस टैक्स था, उसमें और भी दूसरे टैक्सेस थे, इतना मेरे को ऑप्शन याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसका आंसर क्या था? कस्टम टैक्स। बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं, कस्टम जो टैक्स है वो जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा, जीएसटी सबसे पहले किस देश ने इंप्लीमेंट किया? तो फ्रांस ने सबसे पहले इंप्लीमेंट किया था। और भारत ने किस मॉडल को कॉपी किया है? मतलब कहीं ना कहीं से तो भारत ने कॉपी किया होगा, तो जीएसटी को भारत ने कनाडा के मॉडल से कॉपी किया है। भारत में जो जीएसटी है इसको रिकमेंड किसने किया था? तो विजय केलकर कमेटी के द्वारा भारत में इसको रिकमेंड किया गया और इम्प्लीमेंट भारत में 1 जुलाई 2017 को हुआ है। जीएसटी को सबसे पहले इम्प्लीमेंट करने वाला स्टेट है असम। अमिताभ बच्चन जी ब्रांड एम्बेसडर हैं जीएसटी के, और जो जीएसटी है वो 279 आर्टिकल के अंतर्गत आता है, ठीक। चलिए आगे बात करें, तो आगे है यहाँ पर जीएसटी, जीएसटी काउंसिल को कौन बनाता है? तो दिमाग में हो सकता है फाइनेंस मिनिस्ट्री आ जाए, लेकिन आपको बता दूं, जो 2016 में जो काउंसिल मिनिस्ट्री जीएसटी की जो काउंसिल बनी थी वो प्रेसिडेंट साहब ने बनाई थी, ठीक है, 2016 में। इस समय पर हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री चेयरमैन है किसकी? जीएसटी काउंसिल की, हमेशा यही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। यहाँ पर बात करें तो जीएसटी को रिकमेंड किया गया, मतलब जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 के अंतर्गत, पूछा जा सकता है, और रिसेंटली में पूछा भी गया है, एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, ठीक है। तो जीएसटी 122 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2014 में जब बिल आया था उसमें कौन सा अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था? तो 122 था, ठीक है। और यहाँ पर याद रखना है 5 स्लैब्स हैं, 0 वाली स्लैब, 5%, 12%, 18% और 28% की यहाँ पर अलग अलग टाइप के टैक्सेस लगते हैं। जीएसटी एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है, आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन स्पेस को लॉन्च किया, ये क्या है? आपको बता दूं, ये भारत में जो स्पेस से रिलेटेड काम है उसको प्रमोट करना है, मतलब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन आए, इस पर काम करें, इस पर इन्वेस्ट करें, इस तरीके का पूरा ये सिस्टम डेवलप करने की, इस समय की जो सरकार है वो करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए उसने इन स्पेस को लॉन्च किया, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इन स्पेस के आप फुल फॉर्म जानना चाहें तो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इसकी फुल फॉर्म है, जिसको अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की
मतलब देख रेख में इसको लॉन्च किया गया, अमित शाह जी भी अवेलेबल थे। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, अमित शाह जी आ गए अगले क्वेश्चन में। तो अमित शाह जी ने एक नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट को जो इंस्टीट्यूट की जो बिल्डिंग है उसको इनॉग्रेट किया है। अच्छा, अब जैसे ट्राइब वाला क्वेश्चन आता है ना, हमारे दिमाग में झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और दूसरे अंडमान निकोबार और दूसरी दूसरे हमारे पास मतलब स्टेट या यूनियन टेरिटरी क्लिक करती हैं, लेकिन कभी भी जब ट्राइबल की बात आती है तो दिल्ली लिंक नहीं करता ना, कि दिल्ली में ट्राइब की जो पॉपुलेशन है 2011 के अंतर्गत उसमें कितनी है, ज़ीरो। मतलब दिल्ली में जो ट्राइब है उसकी जो पॉपुलेशन है वो नहीं रहती 2011 के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर दिल्ली में इन्होंने इस बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया। क्या बिल्डिंग है, तो नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इस बिल्डिंग का नाम है, जो कि अमित शाह जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। आपको बता दूं, जो ये कौन कौन से स्टेट हैं, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ पर ट्राइब्स नहीं हैं, तो आपको बताऊँ, दिल्ली NCR हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, जहाँ पर ST पॉपुलेशन 2011 के अंतर्गत नहीं है। और UT में बात की जाए तो दिल्ली तो है ही, और पांडुचेरी और चंडीगढ़, ये भी यहाँ पर ऐसे UT है जो कि ST जो कम्युनिटी है यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। आगे बात करें, अब यहाँ से बात होगी इंटरनेशनल करेंट अफेयर की। जो भी इंटरनेशनली करेंट अफेयर बने हैं उनकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चाइना ने फूजियान क्या है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि फर्स्ट डोमेस्टिकल बिल्ड है, मतलब डोमेस्टिकली इसको बनाया गया है, याद रखना है, और चाइना में ये बना है, और थर्ड मोस्ट एडवांस्ड है, और इसको यूज़ कहाँ पे किया जाएगा, तो नेवी रेंज में इसको यूज़ किया जाएगा, मतलब समुद्र में इसको यूज़ किया जाएगा। याद रखिएगा, थर्ड मोस्ट एडवांस्ड डोमेस्टिक बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को चाइना के द्वारा, जिसका नाम फूजियान रखा गया, उसको लॉन्च किया गया। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमजा अब्दी बर्रे जो कि प्राइम मिनिस्टर बने हैं सोमालिया के। अब याद करने का बहुत अजीब सा मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ, हमजा से हाजमा अगर आप याद कर पाए तो जो माली है, यहाँ सोमाली आपको दिख रहा होगा, MALI, माली घास काटने वाला माली, तो अगर मान लीजिए उसका हाजमा सही नहीं होगा तो घास कैसे काट पाएगा, है ना। तो इसीलिए इस तरीके से आप लिंक कर सकते हैं, और मैंने ये बात बोल दी है तो आपको 100% अगर आप क्विज लगाते हैं आज से 3-4 दिन बाद तो आपको पक्की बात है क्लिक करेगा। ठीक है, याद रखिएगा, तो हमजा अब्दी बर्रे जो कि प्राइम मिनिस्टर बने हैं सोमालिया के, कहाँ के, सोमालिया के, और इन्होंने रिप्लेस किया है मोहम्मद हुसैन रोबल को। किसको, मोहम्मद हुसैन रोबल को। सोमालिया की कैपिटल है मोगादिशु, करेंसी है सेलिंग, और प्रेसिडेंट जिन्होंने इनको शपथ दिलाई है वो कौन है, हसन शेख महमूद। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, अब नाटो की जहां चर्चा आ जाती है ना, दिमाग पे सीधे रशिया और यूक्रेन का युद्ध आता है, और कहीं ना कहीं सच बात भी है, हर कोई चाहता है कि अपने पाले पर बहुत सारे देशों को कर ले। जैसे कि अगर दो लड़कों के बीच में जब लड़ाई हो जाती है तो वो भी तो यही करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं। तो उसी प्रकार से नाटो में पार्टिसिपेट किया अब जापान ने, और ये न्यूज़ इसलिए बन गई क्योंकि अभी इस समय पर रशिया और नाटो की थोड़ी ठनी हुई है। कहीं ना कहीं रीज़न भी माना जा रहा है कि यूक्रेन पर जो रशिया ने इन्वेजन किया है वो नाटो ही सबसे बड़ा रीज़न मतलब उसके पीछे माना जा रहा है। तो नाटो की जो अभी एक समिट हुई, जो कि कहाँ हुई है, तो हुई है वो कहाँ पर, मैड्रिड, स्पेन की जो कैपिटल मैड्रिड है वहाँ पर, और वहाँ पर जापान ने यहाँ पार्टिसिपेट किया। अभी रिसेंटली में साउथ कोरिया ने पार्टिसिपेट किया था, इसीलिए बहुत ज़्यादा चर्चाओं में आ चुका है नाटो। याद रखेगा, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसको फॉर्म किया गया था 4 अप्रैल 1949 में। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये और चर्चाओं में क्यों रह रहा है, क्योंकि स्वीडन और फिनलैंड, ये दोनों कंट्री नाटो को ज्वाइन करना चाहती हैं, और जो स्वीडन और फिनलैंड है ये रशिया से लिंक करते हैं, तो अब माना जा रहा है कहीं ऐसा ना हो जाए कि बाद में अगर ये ज्वाइन करने को कह दें, जैसे यूक्रेन ने कहा था
इन पर कुछ आफत आ जाए, तो देखते हैं वो आगे का क्या होता है। लेकिन ध्यान रखना है, नाटो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में आ चुका है, नाटो से क्वेश्चन बन भी रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। इसको फॉर्म किया गया था 1949 में, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और सेक्रेटरी जनरल जेन स्टॉलेनबर्ग है। वैसे इनका समय काल खत्म हो गया था, लेकिन एक साल का इनको एक्सटेंशन रिसेंटली में मिला है। इसमें टोटल 30 कंट्रीज है और इसके मेंबर है नॉर्थ मैसेडोनिया, जो इसके लास्ट मेंबर था वो कौन था, नॉर्थ मैसेडोनिया। ठीक, और आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका की एक लड़की है, मतलब भारत में जन्मी और अमेरिका में इस समय पर काम कर रही हैं, जिनका नाम है राधा अयंगर प्लम्ब। राधा अयंगर प्लम्ब जिनको नॉमिनेट किया गया बाइडेन के द्वारा पेंटागन की टॉप पोजीशन के लिए। याद रखिएगा, पेंटागन है क्या, तो पेंटागन डिफेंस से रिलेटेड एक यूएस की एक बिल्डिंग है, मतलब पेंटागन रिलेटेड डिफेंस है, और उसमें जो राधा अयंगर प्लम्ब जिनको नॉमिनेट किया गया है वहाँ के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा बहुत बड़ी पोजीशन में। अब बहुत बड़ी पोजीशन में जैसे भारतीय कोई पहुँच जाता है तो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए नाम लिख लीजिएगा और कहीं ना कहीं चिपका लीजिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर आपकी नज़रों को इनका नाम दिखता रहेगा और आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करो। वैसे जो राधा अयंगर प्लम्ब है इस समय पर चीफ ऑफ स्टाफ टू डिफेंस टू डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के पद पर काम कर रही है करंट पोजीशन में। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अभी आगे और आपको एक अपॉइंटमेंट मिलेगा जो कि यूएस ने भारतीय किसी पर्सन को किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो रहा है। यहां पर बात की जाए अपेडा। अपेडा क्या है, तो अपेडा एक तरीके की एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है। मतलब किस तरीके से खाने के मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाएगा, क्वालिटी चेक करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मैंगो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है। कहाँ ऑर्गेनाइज किया है, बहरेन में ऑर्गेनाइज किया है। मीडिया में बहुत ज़्यादा रहा है, अब ये मीडिया में रहा है तो आपके आने वाले एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो बहरेन में मैंगो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया गया, किसके द्वारा कराया गया, तो आंसर हो जाएगा अपेडा के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। एग्रीकल्चर और एक्सपोर्ट से रिलेटेड एक अथॉरिटी है जो कि मैंगो फेस्टिवल को बहरेन में ऑर्गेनाइज कराया गया, जिससे कि मैंगो को और ज़्यादा प्रमोट करा जा सके और ज़्यादा इसकी क्वालिटी को, मतलब जो भारत में अलग अलग क्वालिटी है उनको दूसरे देशों तक पहुँचाया जा सके, भारत को आमदनी इससे बढ़े, भारत के किसानों को आमदनी से बढ़े। तो बात यहाँ पर अपेडा की हुई है, तो अपेडा को फॉर्म किया गया था 1986 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और चेयरमैन इसके एम अंगा मुथु हैं। कौन है, एम अंगा मुथु। आगे बात करें, जैसे आ फोर आम, तो अंगा उसमें आता है ना, उसी तरीके से आप याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो आरती प्रभाकर, मैंने बोला था ना यूएस वालों ने अभी दोबारा से एक और फीमेल आएंगी जिनको अच्छी पोजीशन पर अपॉइंट किया है, तो ये वही है। कौन है, आरती। पहले कौन थी, राधा को पेंटागन की हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंचाया जाएगा, मतलब नॉमिनेट किया जाएगा टॉप पोजीशन पर, और नॉमिनेट किया गया है टॉप पोजीशन के लिए। और आरती प्रभाकर जिनको साइंस एडवाइजर टू प्रेसिडेंट, जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं उनके लिए साइंस एडवाइजर के पद पर इनको अपॉइंट किया गया। कौन है, राधा और आरती, दो नाम है, राधा को पेंटागन और आरती को जो यूएस के प्रेसिडेंट साहब हैं उनके लिए साइंस एडवाइजर के पद पर अपॉइंट किया गया। दो नाम है, याद रखिएगा, रिवाइज करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, रशिया ने ओवरटेक कर लिया। सिंपल सी बात है, कंपटीशन अब बहुत तगड़ा बढ़ेगा जब से, मतलब दो गुट बनी गए हैं, एक तो यूएस का नाटो वाला और एक इधर रशिया का। जो रशिया के साथ है वो रशिया उसको बेनिफिट देगा और जो यूएस के साथ है यूएस उसको बेनिफिट देगा। अब भारत का है, भारत तो दोनों तरफ है ना, तो भारत को दोनों ही देश फायदे देंगे। तो रशिया, भारत की बहुत, मतलब विदेश नीति जो है वो बहुत बढ़िया रही है, ये मानने वाली बात है। जब से मोदी सरकार आई है विदेश नीति बहुत बढ़िया करी है उन्होंने, इंटरनल का पता नहीं। देखो चलिए आगे बात करते हैं। रशिया ने ओवरटेक कर लिया है सऊदी अरेबिया को। अभी तक क्या होता, सऊदी अरेबिया भारत को सबसे ज़्यादा, मतलब ऑयल सप्लाई करता था, लेकिन अब
रशिया ने उसको उसकी जगह ले ली और अब सऊदी अरेबिया तीसरी पोजीशन पर पहुंच चुका है। दिमाग में हो रहा होगा, अच्छा तो पहली पोजीशन पर तो बताओ, पहली पोजीशन पर कौन है? इराक। भारत को सबसे ज़्यादा जो ऑयल सप्लाई है वो इराक से मिलती है, दूसरे नंबर पर रशिया है और तीसरे नंबर पर सऊदी अरेबिया है। दुनिया में बात की जाए तो दुनिया में यूएस चाइना के बाद सबसे ज़्यादा ऑयल को कंज्यूम करने वाला अगर कोई देश है तो वो भारत है। मतलब भारत दुनिया में जो ऑयल बेचने वाले देश हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन कस्टमर है, है ना, तो बहुत बेहतरीन कस्टमर है। और भारत की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज़ तो होता ही है, नॉर्मल सी बात है। तो भारत बहुत बड़ी मतलब ऐसी जगह है, ऐसी मार्केट है ऑयल प्रोड्यूसर्स के लिए जो कि भारत को कोई छोड़ना नहीं चाहेगा। रशिया यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर आया, इस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये ऐसे पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। इराक सबसे ज़्यादा भारत को इस समय पर ऑयल दे रहा है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, चाइना फिर से टॉप कुछ बेहतर कर गया, क्या कर गया बेहतर? चाइना ने वर्ल्ड का मोस्ट डिटेल्ड मैप कहाँ का, मून का रिलीज़ किया है। अब भारत में अगर ये काम होता तो यकीन मानो कि मज़ा आ जाता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, चाइना ने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो चाइना ने दुनिया का मोस्ट डिटेल्ड मैप को लॉन्च किया, और वो मैप अर्थ का नहीं है, वो मैप है मून का, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है ये काम किसने किया, तो चाइना ने किया, ठीक है। यहाँ पर बात की जाए चाइना की, तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग, चाइना की करेंसी है रेन मिनमी, कई जगह आपको युआन लिखा मिल जाएगा, तो वो जैसे भारत की चलती भाषा में रुपया, रुपया तो मतलब हमारा भारत की करेंसी है, चलती भाषा में पैसा है, तो पैसा करेंसी थोड़ा है भारत की, वो तो एक छोटी फॉर्म है रुपया की। उसी तरीके से युआन वहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज है वो बोलते हैं लोग, और इनकी करेंसी क्या है, रेन मिनमी। किसने पूछा था तो वही मैं क्लियर कर रहा था। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, सी जिनपिंग। और भारत और चाइना के बीच में एक लाइन जाती है जिसको कहा जाता है मैकमोहन लाइन। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, यूरोपियन पार्लियामेंट ने वोटिंग हुई, वोटिंग किस चीज़ की हुई, वोटिंग इस चीज़ की हुई कि अब से आप डीजल और पेट्रोल वाली कार को नहीं बेचेंगे। कब से? तो 2035 से, मतलब 2035 से अब ये डिसाइड किया गया यूरोपियन पार्लियामेंट में कि अब से वो पेट्रोल और डीजल से बनी हुई, पेट्रोल और डीजल से बनी हुई कारों को नहीं बेचेंगे। ये उनका अपना रूल बन चुका है। इससे बेहतर सिंपल सी बात है, एयर पॉल्यूशन को बहुत बेनिफिट होने वाला है। अब इसका अल्टरनेटिव अगर बेस्ट मिल जाए तो बहुत मजा आएगा। यहाँ पर याद रखिएगा 2035 से यूरोपियन यूनियन में वोटिंग हुई कि अब वो पेट्रोल और डीजल की कार 2035 से नहीं बेचेंगे। याद रखिएगा यूरोपियन पार्लियामेंट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो फ्रांस में है, और इसको फॉर्म किया गया था 1958 में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड राइट टू रिपेयर। अब आपने ना राइट टू इक्वालिटी, राइट टू मतलब अबॉलिश, मतलब बहुत सारी चीज़ें, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये सब आपने पढ़ रखा है, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा होगा राइट टू रिपेयर। अब ये राइट टू रिपेयर नया कॉन्सेप्ट इंक्लूड किया गया किसी देश के द्वारा। अब किसी देश के द्वारा या किसी पार्लियामेंट के द्वारा अभी ऐसा किया गया तो चर्चाओं में हो गई बात है, तो मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए न्यूयॉर्क की जो लेजिस्लेचर है उसने राइट टू रिपेयर को, जो कि एक तरीके का लॉ है, डिजिटल लॉ है, उसको लॉन्च किया है। याद रखना है राइट टू रिपेयर से आप समझ चुके होंगे खराब सामान को, हमारा हक है कि इसको आप सुधार कर दें, इस तरीके का ये एक एक्ट है जिसको, एक लॉ है जिसको न्यूयॉर्क लेजिस्लेचर में पास किया गया है, ठीक है। याद रखिएगा न्यूयॉर्क कहाँ पर है, USA में न्यूयॉर्क है, और USA की कैपिटल क्या है, कंफ्यूज होकर कई बच्चे बोल देते हैं न्यूयॉर्क है, फेमस सिटी है, लेकिन नहीं, कौन सी है, वॉशिंगटन, वॉशिंगटन है USA की कैपिटल, याद रखना है। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है फिर से चाइना। चाइना ने क्या किया, चाइना ने एक तियांगोंग स्पेस स्टेशन को बिल्ड कर दिया, रशिया और USA के बाद ये ऐसा करने वाला, मतलब सोवियत यूनियन और USA के बाद ऐसा करने वाला ये थर्ड देश बना है जिसने तियांगोंग स्पेस स्टेशन को बिल्ड करने के लिए अपने क्रू को लॉन्च किया, मतलब क्रू को भेज दिया कि भाई अब तुम इसको कंप्लीट करके ही आना, नहीं तो आना मत, वहीं पे गायब हो जाना, ऐसा नहीं है मतलब।
ठीक है। तो अब ये चाइना की जो मैंड स्पेस एजेंसी है उसने तियांगोंग स्पेस स्टेशन को बिल्ड करने के लिए एक क्रू मिशन भेजा, मतलब कुछ लोगों को भेजा है कि भाई जाओ अब करके आओ काम। ठीक, चलिए आगे बात करो, ऐसा करने वाला है तीसरा देश है। अगला क्वेश्चन, अब अगले क्वेश्चन जो भी होंगे वो मिसलेनियस से होंगे। मिसलेनियस मतलब कि किसी टॉपिक में उसको नहीं डाला जा सकता। तो पहला क्वेश्चन यहां पर है, वर्ल्ड की बिगेस्ट प्लांट डिस्कवर हुआ है, कहां डिस्कवर हुआ है? तो ऑस्ट्रेलियन कोस्ट में डिस्कवर हुआ है। ऑस्ट्रेलियन, आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश अगर आपसे पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ही है। ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड वगैरह भी आते हैं, आपको क्लियर होगा। तो यहां पर बात की जाए, दुनिया का लार्जेस्ट लिविंग प्लांट कहां पर मिला है? वेस्टर्न पार्ट, ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट में मिला है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर पहले कोई और थे, अब चेंज हो चुके हैं, कौन है? एंटोनी अल्बनीज। कैपिटल इसकी कैनबरा है, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि जो हमारे लार्जेस्ट इंपोर्टर बना है, आयतक बना है, भारत के जो टूटे हुए चावल है उनका, तो भारत के टूटे हुए चावल का चाइना एक इंपोर्टर बना है, चाइना इंपोर्ट करेगा उसको। ठीक है, बहुत हाई क्वांटिटी में। वैसे आपको बता दूं, चावल और गेहूं दोनों में, दोनों के प्रोडक्शन में चाइना टॉप पोजीशन पर है। मशीनी तंत्र इनका बहुत अच्छा है, मतलब मशीन बहुत तगड़ी तगड़ी यूज करते हैं, और जमीन तो भारत से बेहतर थोड़ी ना होगी, लेकिन फिर भी ये भारत से सबसे ज़्यादा, भारत से ज़्यादा चावल और चीनी दोनों उगाता है, देश में भी ये टॉप पोजीशन पर है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि चाइना सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करेगा भारत के जो टूटे हुए चावल है उनका। ठीक, जनसंख्या रीज़न हो सकता है, और भी दूसरे रीज़न हो सकते हैं, उसी टूटे हुए चावल का हो सकता है कुछ मटेरियल डेवलप कर ले, समझ रहे हैं, अलग ऐसा मटेरियल जो कि कॉस्टियर हो जाए, उनके लोगों को बेनिफिट मिल जाए, खाने को मिल जाए गरीब लोगों को वहाँ के। ठीक है, तो ये बेनिफिट लेने के लिए वो सिंपल ज़्यादा टूटे चावल थोड़े सस्ते चले जाएंगे, तो इसलिए इंपोर्ट कर रहा है। तो अमरा राजा एक ऐसी जगह है लेह में, मतलब ऐसा एक प्लांट सेटअप किया गया है लेह में एनटीपीसी के द्वारा, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल्ड आउटलेट है, जो कि एनटीपीसी के द्वारा डेवलप किया गया। याद रखिएगा, अमरा राजा पावर सिस्टम को लेह लद्दाख में एनटीपीसी ने डेवलप किया, जो कि पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल्ड स्टेशन है। इसको फाउंड किया गया था 1975 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और चेयरमैन एमडी गुरदीप सिंह है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इंडिया की पहली सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे टर्मिनल जो कि बेंगलुरु में है, इसको ऑपरेशनल में ला दिया गया, मतलब पूरा का पूरा टर्मिनल एसी युक्त हो चुका है, अंदर आप जाएंगे एसी के आनंद उठाएंगे। कहाँ पर? बेंगलुरु में। और कौन सा टर्मिनल है? तो उसका नाम है सर एम विश्वरैया रेलवे टर्मिनल, जो कि कर्नाटका के बेंगलुरु में उपस्थित है। ठीक है, ये पहला बना है, इसीलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, पहला सेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, भारत ने डील फिनिश कर ली है साउथ अफ्रीका और नाम्बिया के साथ कि भाई वो वहाँ से चीता लाने दे। भारत टोटल 12 चीता लेकर आएगा, 12 जो चीताज हैं उनको लेकर आया जाएगा, जिससे कि भारत में इनकी जो पोजीशन है, कई जगहों पर ये नहीं मिलते हैं, और पहले मिला करते थे, अब नहीं मिलते हैं, तो उन जगहों पर इनको रखा जा सके। वैसे अभी टारगेट रखा गया है मध्य प्रदेश के कुनोपालपुर में। कहाँ पर? कुनोपालपुर में, मध्य प्रदेश में ये उपस्थित है, वहाँ पर जो ये चीता है लेकर आए जाएंगे, और इनके नंबर को बढ़ाने की कोशिश भारत में की जाएगी। ठीक है, बाद में हो सकता है और भी लाए जाएँ, लेकिन अभी तो 12 ही लाए जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, भारत में कोविड-19 वैक्सीन बन गई है, वाओ, लेकिन ये एनिमल की बनी है, वैसे बन चुकी थी पहले भी, लेकिन एनिमल की जो पहली कोविड-19 वैक्सीन भारत में बनी है उसका नाम है एनोकोवैक्स। क्या है? एनोकोवैक्स। और वैसे तो आपसे अगर पूछा जाए कि दुनिया में सबसे पहले एनिमल के लिए वैक्सीन किसने बनाई, तो आंसर हो जाएगा रशिया। ह्यूमन के लिए सबसे पहले कोविड-19 की वैक्सीन किसने बनाई, आंसर हो जाएगा रशिया। लेकिन यहाँ पर मैं भारत के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। भारत ने अपने यहाँ पर जो एनिमल्स हैं उनके लिए कोविड-19 की वैक्सीन बनाई है, जिसका नाम है एनोकोवैक्स। क्या है? एनो
कोवैक्स। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है 75 किलोमीटर की रोड। वैसे तो सोचिए हमारे गली गली मोहल्ले मतलब गांव वगैरह में, एक समय लिंक हूँ तो गांव वगैरह की जो रोड है वो बनती नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है 75 किलोमीटर है, 2-3 किलोमीटर की रोड होती है वो भी नहीं बनती है, लेकिन यहाँ पर एक रिकॉर्ड बना है, गिनीज रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है 75 किलोमीटर की एक मोटरवे रोड है, मतलब गाड़ियाँ चलने वाली रोड है, जिसको सिर्फ 105 आवर 33 मिनट में डेवलप कर लिया गया। बहुत बड़ी बात है, और बहुत बड़ी बात के साथ साथ इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी दर्ज हुआ है, सर्टिफिकेट भी मिला है, जो कि हमारे जो इस समय पर टूरिज्म मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने प्राप्त किया है। आपको बताऊं उन्होंने अचीवमेंट NHAI की है, और साथ साथ NHAI के साथ साथ राजपथ इन्फोकॉन प्राइवेट लिमिटेड भी इस काम में हाथ बटा रही थी, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है श्रेयास जी होसूर। कौन? श्रेयास जी होसूर भारत के, भारतीय रेलवे के पहले ऑफिसर बने हैं जिन्होंने आयरन मैन ट्रायथलॉन को कंप्लीट किया है। आपको बता दूं ये पहले इंडियन ऑफिसर ऐसे बने हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ट्रायथलॉन का मतलब क्या है? ट्रायथलॉन का मतलब है कि स्विमिंग की जाएगी, साइकिलिंग की जाएगी, उसके बाद रनिंग की जाएगी। ये तीन काम एक साथ, जैसे आपने स्टूडेंट ऑफ द ईयर फर्स्ट जब जो आई थी वो देखी होगी, जिसमें वरुण धवन और सिद्धार्थ, क्या नाम है उसका मेरे को याद नहीं है, इन्होंने जो मतलब रनिंग की थी उसमें, मतलब ऐसा ही कुछ इन्होंने भी किया था। तो वो वाली जो है वो तीन जो रेस है उसको जो श्रेयास जी होसूर के द्वारा कंप्लीट किया गया। ठीक है, इंडियन रेलवे के ऑफिसर हैं, नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अब यहाँ से क्वेश्चंस स्टेट न्यूज़ की आएंगे, जो भी स्टेट न्यूज़ है उनकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले उन्मेष नाम की इंटरनेशनल लिटरेसी फेस्टिवल को हिमाचल प्रदेश में इनॉग्रेट किया गया, जिसमें जो बहुत सारे राइटर्स हैं, पॉइट्स हैं, ट्रांसलेटर्स हैं, क्रिटिक्स हैं, नोटेबल फिगर हैं, उनको यहाँ पर बुलाया जाएगा और अलग अलग भाषाओं में उन्हें परफॉर्म करने का मौका, अपनी जो कला है उसको प्रदर्शित करने का मौका दिया जाएगा। आपको बता दूं जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ कल्चर है अर्जुन राम मेघावाल, उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है और यहाँ पर इस फेस्टिवल को लीड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है मुंबई एयरपोर्ट, जो कि वर्टिकल एक्सिस में विंड टर्बाइन एंड सोलर पीवी हाइब्रिड सिस्टम को डेवलप कर चुका, डेवलप करने के साथ लॉन्च भी कर दिया है, और ये ऐसा करने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है। अब पहला एयरपोर्ट बना है इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि मुंबई में अवेलेबल है, पहला एयरपोर्ट ऐसा बना है जिसने वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन एंड सोलर पीवी हाइब्रिड को लॉन्च किया है, जिसमें दो तरीके से एनर्जी को डेवलप किया जाएगा, समझ रहे हैं, एक तो सोलर का और एक टर्बाइन को घुमाकर, दो तरीके से एनर्जी प्रोवाइड कराई जाएगी, और ये ऐसा करने वाला पहला अपना एयरपोर्ट बन गया है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक आर्मी की रिक्रूटमेंट से रिलेटेड एक प्रोसेस है अग्निवीर। अग्निवीर को ये अनाउंस, मतलब बहुत ज़्यादा इसका विरोध हो रहा है युवाओं के द्वारा, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, जो कि योगी आदित्यनाथ जी चला रहे हैं, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि हम जो अग्निवीर होंगे, जो 4 साल के बाद रिटायरमेंट लेकर आएंगे, मतलब क्या प्रोसेस, मैं आपको थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। जो अग्निवीर है उसमें आर्मी के लिए पहले 16 ईयर का रिक्रूटमेंट होता था जो सोल्जर्स होते थे उनका, तो अब क्या किया जा रहा है, 4 ईयर का रिक्रूटमेंट उनका किया जाएगा। 4 ईयर के बाद जो 100 मान लीजिए पर्सन अगर चुने जाते हैं, तो उनमें से 25 जो बेस्ट होंगे उनको आगे की सर्विस दी जाएगी, और बाकियों को 10% के कोटा के साथ, मतलब उनको रिजर्वेशन बाकी सर्विसेज में रहेगा, और उससे वो उनको मतलब निकाल दिया जाएगा, मतलब निकाला मतलब उनको रिटायरमेंट दे दी जाएगी, और उनको 12 लाख अप्रॉक्सीमेटली, वैसे 11 लाख कुछ है लेकिन 12 लाख अप्रॉक्सीमेटली उनको प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे कि अगर उनको आगे सर्विस नहीं मिलती है तो नया बिजनेस स्टार्ट कर सकें। ऐसी स्कीम है जिसमें अग्निवीर को का समर्थन करने के लिए उत्तर प्रदेश की जो सरकार है योगी आदित्यनाथ कह रही है कि हम प्रायोरिटाइज करेंगे,
अलग अलग फील्ड में जो अग्निवीर है उनको प्रायोरिटाइज किया जाएगा, उनको सर्विस आसानी से बाकियों के कंपेयर में मिल जाएगी, ये कहना है। मे भी देखते हैं क्या होता है, लेकिन याद रखिएगा अग्निवीर को बताने के लिए मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन को डाला है। राजनाथ सिंह जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर हैं क्योंकि हमारे राजनाथ सिंह जी, और चीफ मिनिस्टर मैंने आपको बता ही दिया योगी आदित्यनाथ है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कर्नाटका से। कर्नाटका की जो गवर्नमेंट है उसने फ्रूट्स सॉफ्टवेयर फार्मर स्कीम को लॉन्च किया है, मतलब फार्मर स्कीम के लिए लॉन्च किया है, ये क्या है? तो आपको बता दूं जो फूल सब्जी वगैरह उगाने वाले जो हमारे फार्मर्स हैं उनके लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया गया, जिससे कि वहाँ पर रजिस्टर करें और सरकार की जो भी स्कीम है, जो भी बेनिफिट्स है, उनको वहाँ पर प्राप्त हो सके। और अगर वो सरकार को फ्रूट्स बेचते हैं, फ्रूट्स या फिर जो उनका प्रोडक्ट है वो बेचते हैं, तो उससे उनको डायरेक्टली उनको पहुँचाया जा सके, और साथ साथ उसकी इनकम भी चेक की जा सके कि आम पैदावार करने वाले जो किसान हैं उनकी पैदावार ज़्यादा है, या सेब की पैदावार करने वाले जानवरों की आमदनी ज़्यादा है, या किस फ्रूट्स को डेवलप करने वाले किसानों की आमदनी ज़्यादा है। इस तरीके से क्या होगा, अलग अलग स्कीम उनके हिसाब से बनाई जाएंगी, जिससे कि उनको प्रमोट किया जा सके कि भाई वो अपना काम छोड़े ना, क्योंकि सब तो बैलेंस करके चलना है ना। तो इसी स्कीम को देखते हुए फ्रूट्स नाम की स्कीम को लॉन्च किया गया कर्नाटका की गवर्नमेंट ने। याद रखिएगा कर्नाटका की जो गवर्नमेंट है उसके गवर्नर थावरचंद गहलोत है, वैसे गवर्नमेंट के गवर्नर नहीं होते, स्टेट के गवर्नर थावरचंद गहलोत है। चीफ मिनिस्टर बसवराज एस बोम्मई है, कैपिटल बेंगलुरु है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन केरला से है। केरला में कैंसर रिसर्च सेंटर को, जहाँ पर इलाज भी होगा और यहाँ पर रिसर्च की जाएगी अलग अलग कैंसर्स के ऊपर, तो इस तरीके का एक रिसर्च सेंटर को केरला में, केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है और चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है YSR यंत्र सेवा स्कीम को लॉन्च किया है, जिसमें ट्रैक्टर हो गए, मतलब मशीन से रिलेटेड सरकार किसानों को प्रोवाइड कराएगी। मशीन मतलब ट्रैक्टर हो गए, और भी दूसरी मशीन्स हैं जो कि किसानी में लगती हैं, उनको सरकार, स्टेट की सरकार किसानों को, अपने यहाँ के किसानों को प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। YSR यंत्र सेवा स्कीम, ये है आंध्र प्रदेश की स्कीम। आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं YS जगन मोहन रेड्डी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, और यहाँ के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट ऐसा बना है जिसने अपने यहाँ पर जो ड्रोन से रिलेटेड पॉलिसीज है उसको अप्रूव कर दिया है। अब ऐसा करने वाला ये पहला स्टेट बना है, इसीलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको बता दूं जहाँ पर सामानों को आसानी से नहीं पहुँचाया जा सकता, इमरजेंसी है पहुँचाना, तो ड्रोन का इस्तेमाल करके सामानों को उनके जो स्थानों पर पहाड़ी इलाकों में पहुँचाया जाएगा। इसको देखते हुए ये सही स्कीम बनाई गई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहाड़ों से घिरा हुआ एक स्टेट है, जिसमें जो पहाड़ों में लोग जो रह रहे हैं उनकी जो रहने की सुगमता है, वहाँ से लोग पलायन ना ज़्यादा से ज़्यादा करें, इसको देखते हुए इस स्कीम को बनाना ज़रूरी था, और ये बहुत बेहतरीन कदम है हिमाचल प्रदेश का। याद रखना है हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है उसकी, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है दो, शिमला जो कि समर की है, धर्मशाला विंटर की है। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर और जयराम ठाकुर जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है असम से। असम में एक बाइखो फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कराया गया, जो कि अच्छी हार्वेस्ट, मतलब अच्छी जो फसल हुई है और अच्छी जो बारिश हुई है उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, वहाँ की जो जनजाति है रभा ट्राइब्स उसके द्वारा, ठीक है। रभा ट्राइब्स के द्वारा जो बाइखो फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कराया जाता है, मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, और असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर। असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिश्वा शर्मा है, जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है ब्लू डूक नाम की एक स्टेट बटरफ्लाई घोषित की गई, किस स्टेट के द्वारा? तो सिक्किम के द्वारा अपने यहाँ की
स्टेट बटरफ्लाई ब्लू डूक को घोषित किया गया। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की कैपिटल गंगटॉक है, गवर्नर गंगा प्रसाद है और पीएस गोले यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु से। तमिलनाडु में नलाया थिरन स्किलिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। ये क्या है? जो बच्चे कॉलेज वगैरह में पढ़ रहे हैं, अब वहाँ पे जो पढ़ाई होती है ये तो क्लियर है कि वहाँ जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो उस तरीके का कुछ होता नहीं है। बस मान लीजिए 10% यूज़ होता है, फिर आपको 90% खुद से सीखना पड़ता है ना, ऐसा ही होता है। तो तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, वो अपने कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को उनको आईटी डोमेन, मतलब आईटी डोमेन इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस के फील्ड में उनकी जो स्किल्स है उसको बेहतर करने की कोशिश करेगी। किस स्कीम के अंतर्गत? नलाया तिरन स्कीम के अंतर्गत, जिसमें 50,000 कॉलेज स्टूडेंट को टारगेट किया जा रहा है। बाद में अगर सक्सेस होती है स्कीम तो इसको और बढ़ाकर ज़्यादा बच्चों को भी बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक है। तमिलनाडु की बात की जाए तो चेन्नई इसकी कैपिटल है, चीफ मिनिस्टर के स्टालिन है, एम के स्टालिन है और आर एन रवि यहाँ के गवर्नर हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है बीच विजिल ऐप को लॉन्च किया गया। बीच जहाँ होंगे वहीं पर होगा, तो सबसे ज़्यादा लोग बीच में जाते हैं, कहाँ? मुंबई, गोवा। लेकिन यहाँ पर ये मुंबई की स्कीम नहीं है, ये किसकी स्कीम है? बीच विजिल ऐप स्कीम है गोवा की, गोवा के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, जिसमें हॉलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ बीच किए जाए, मतलब बीच को मैनेज करने, सही से मैनेज करने की यहाँ पर कोशिश इस ऐप के माध्यम से की जाएगी और साथ साथ जो वहाँ के कर्मचारी हैं उन पर निगरानी भी इस ऐप के माध्यम से रखी जाएगी, मतलब ट्रैक किया जाएगा भाई अपना काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो सही से। तो याद रखिएगा, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और टूरिज्म सेक्टर की ये ऐप है, जिसको गोवा के स्टेट ने, गोवा जो स्टेट है उसके द्वारा लॉन्च किया गया। गोवा भारत का सबसे छोटा स्टेट है, ये भी आपको पता होना चाहिए, जिसने बीच विजिल ऐप को लॉन्च किया है, ठीक। ये दो मंत्रालय के कोलैबोरेशन से लॉन्च हुआ, मैंने आपको बता ही दिया, इन्फॉर्मेशन और टूरिज्म मंत्रालय के बीच में कोलैबोरेशन से। गोवा की बात करें तो गोवा के गवर्नर, बात कर ली, पीएस सिरधरन पिल्लई हैं और गोवा की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। फेस्टिवल की बात करें तो गोवा का मैंगो फेस्टिवल है वो यहाँ पर मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।